हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमरजीत है और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं पूरा स्पोकन इंग्लिश कोर्स हिंदी के माध्यम से पढ़ाता हूँ। मैंने अभी तक 200 से ज़्यादा वीडियो शूट किए हैं और मैं हमेशा नए वीडियोस को अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें। अगर आपको हमारे लेसन पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करना ना भूलें। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं या कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, तो मैं उसका जवाब जल्द से जल्द दूंगा। हमारी वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अंग्रेजी का माहौल बनाया जा सके, उन्हें अंग्रेजी सीखने के लिए एनकरेज करें। और अब हम चलते हैं अपने लेसन की ओर। हाय गाइस, वेलकम टू अल्फा बीटा। माय नेम इज अमर और आज मैं बताने वाला हूँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन जो आपको पता होने चाहिए डेली यूज के लिए। पहला एक्सप्रेशन है हमारा मार्क माई वर्ड्स। ये एक्सप्रेशन तब यूज किया जाता है जब आप बताना चाहते हैं किसी को कि कोई अभी इस बात को माने या ना माने, आगे चल के वो बात मानेगा। like आपका फ्रेंड, वो आजकल किसी और के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता है बट वो इंसान सही नहीं है, तो आप कहते हो ही इज नॉट अ गुड गाय, यू शुड नॉट बी विद हिम। तो आपका दोस्त कहता है नहीं, वो अच्छा लड़का है, मैं उससे टाइम स्पेंड करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो आप कहते हो मार्क माई वर्ड्स, ही विल चीट यू समडे। इन द फर्स्ट प्लेस, हिंदी मीनिंग, पहली बात तो ये, आपका ब्रदर आपकी बाइक बिना बताए घर से ले गया, जब वो आता है वापस लेकर तो आपको चाबी देते हुए कहता है भैया बाइक एक्सीडेंट हो गई है। तो आप कहते हो कि पहले तो ये बता तुमने मेरी बाइक को छुआ ही क्यों, व्हाई डिड यू टच माय बाइक इन द फर्स्ट प्लेस। लेटली या रिसेंटली, हिंदी मीनिंग कुछ समय से। like आपका फ्रेंड कुछ दिनों से कुछ अजीब सा व्यवहार कर रहा है, तो आप बोलते हो आई सेंस सम चेंजेस इन योर एटीट्यूड लेटली, यानी कुछ समय से मैं आपके व्यवहार में बदलाव देख रहा हूं। Meanwhile, हिंदी मीनिंग इस बीच, आप अपने फ्रेंड को बोलते हो देखो हमारे पास करने के लिए दो काम है, एक कपड़े धोने का और दूसरा ब्रेकफास्ट बनाने का, तो प्लीज आप कपड़े धो दो, मैं ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। तो इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे, प्लीज वॉश द क्लोथ्स, मीनवाइल आई मेक ब्रेकफास्ट फॉर अस। ऑफकोर्स हिंदी मीनिंग बिल्कुल, like आपका एक फ्रेंड जो आपको काफी लंबे टाइम बाद मिला है, आपको पार्टी पे इन्वाइट करता है, तो आपसे पूछता है कि आप आओगे ना, तो आप बोलते हो बिल्कुल मैं जरूर आऊंगा। तो इंग्लिश में क्या बोलोगे, ऑफ कोर्स आई विल कम। एट टाइम्स हिंदी मीनिंग कभी कभी, कभी कभी हमें मुश्किल डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कभी कभी कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है, तो कभी कभी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एट टाइम्स। एट टाइम्स वी हैव टू फॉलो आवर इंस्टिंक्ट्स रादर देन द थियोरेटिकल नॉलेज। स्टबर्न हिंदी मीनिंग जिद्दी, ही इज अ स्टबर्न बॉय, बहुत जिद्दी लड़का है। नेक्स्ट टू बी टच्ड, हिंदी मीनिंग भावुक होना, इमोशनल होना। आप अपने दोस्तों को कहते हो बस करो यार मैं तो इमोशनल हो गया, तो आप बोल सकते हो आई एम टच्ड। नेक्स्ट कंपैटिबल, योग्य होना, अनुकूल होना। लाइक आप एक प्रिंटर खरीद के लाते हैं घर पे और उस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये प्रिंटर आपके सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ चलेगा, दिस प्रिंटर इज कंपैटिबल विद ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम्स। नेक्स्ट हाई टाइम, सही समय, यानी कि किसी काम को करने का सही समय है। लाइक अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, तो मैं बोलूंगा इट्स हाई टाइम टू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स, हिंदी मीनिंग कोई सटीक नियम नहीं है, स्पष्ट नियम नहीं है। अगर कोई गरीबों की मदद करना चाहता है और आपसे पूछता है कि मैं गरीबों की मदद कैसे करूं, तो आप कहते हो कि आप कैसे भी मदद कर सकते हैं, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। So, आप बोलोगे देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स टू हेल्प पुअर पीपल। नेक्स्ट आफ्टर ऑल हिंदी मीनिंग आखिरकार, आप अपने ब्रदर को बोलते हो कि मैं तेरी हर सिचुएशन में मदद करूंगा, हम आखिरकार भाई हैं, आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू, वी आर ब्रदर्स आफ्टर ऑल। नेक्स्ट आफ्टर आवर्स, यानी कि काम के बाद वाला समय, छुट्टी होने के बाद भी अगर काम करना पड़े तो आप उसको बोल सकते हो आई एम वर्किंग आफ्टर आवर्स।